नमस्कार साथियों, आज SGOT एंड SGPT ये दो जांच होती है लीवर के लिए करी जाती है कि लीवर में कोई डैमेज हो रहा है कि नहीं है उसके लिए। तो इसी दोनों जांच को एक साथ आपको मैं दिखा दूंगा, रिपोर्ट में दो तीन रिपोर्ट दिखाऊंगा और इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, बढ़ने का क्या मतलब है, कम होने का क्या मतलब है, ये सब हम लोग बात करने वाले हैं। तो SGOT एंड SGPT ये दो लीवर के एंजाइम हैं, मतलब ये लीवर प्रोफाइल के टेस्ट में आता है। अब ये अकेले भी करवाया जाता है इसलिए ये बताने का मेरा मतलब है। अब ये डमी रिपोर्ट है, इधर कोई ऐसे सैंपल रिपोर्ट से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। SGOT इसको AST भी बोलते हैं और SGPT इसको ALT भी बोलते हैं। कई बार या ज़्यादातर बार SGOT या SGPT नाम से आपको रिपोर्ट में मिलेगा। अब इसमें आपको रिजल्ट सेक्शन में इस तरह से जो आपकी वैल्यू है रिजल्ट सेक्शन में आएगी, जैसे इनकी लेस देन 10 आई है, मतलब है इनका ये नॉर्मल है, मतलब लीवर सही है, लीवर डैमेज नहीं है। अब आपके क्वेश्चन आएगा कि नॉर्मल कितना होना चाहिए, वैसे यहाँ पे नॉर्मल रेंज में दे रखी है कि 15 to 40 या 10 to 49, पर हम लोग इसको ऐसा कंसिडर करते हैं दोनों के लिए सेम रेंज मानते हैं, 0 to 40 ऐसा बोलते हैं, 0 to 40। एक चीज़ आप ज़रूर समझ लें कि जिसका लीवर एकदम हेल्दी रहता है उसकी वैल्यू इसी तरह से आती है, 10, 12, 15, 8, 16, मतलब 30 के ऊपर कम लोगों की आती है। 30 के ऊपर आ रही है इसका मतलब कि हो सकता है लीवर में कुछ इनिशियल डैमेज होने लगा हो। होता क्या है, लीवर के अंदर सेल होते हैं, हिपेटोसाइट होते हैं, इसके टूटने से अगर ये टूटेगा तो SGOT और SGPT ये दोनों रिलीज होते हैं। जो PT है थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक होता है क्योंकि ये सिर्फ लीवर के ही सेल्स में पाया जाता है, बाकी आर्गन में बहुत ही हल्की मात्रा में मिलता है। बट SGOT दूसरे भी आर्गन में पाया जाता है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि दूसरे आर्गन में डैमेज हो लीवर के अलावा और ये बढ़ा रहे। इसलिए अगर सिर्फ एक जांच कराई जाती है तो SGPT कराई जाती है। वैसे दोनों का बढ़ना एक जैसी बीमारियों के बारे में बताता है, मतलब SGOT PT बढ़ रहा है इसका मतलब कि लीवर डैमेज हो रहा है। तो उसको डायग्नोज करने के लिए या ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसको मॉनिटर करने के लिए कि दवा का असर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कीमत की बात करें, अगर आप एक टेस्ट कराओगे तो 100 रुपये में और SGOT SGPT दोनों कराओगे तो 200 रुपये में, 100 + 100 और हो जाएगा। और इसके अलावा इसमें ऑफर वगैरह जो भी रहते हैं वो हो गए अलग होंगे। मतलब मैं एक जो नॉर्मल रेट होता है, एवरेज रेट ऐसा बोल सकते हैं, फास्टिंग सैंपल की कोई ज़रूरत नहीं होती इसमें, कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं चाहिए या करना रहता, आप कभी भी करा सकते हैं। बट सुबह ज़्यादातर लोग कराते हैं और ब्लड में से सीरम लिया जाता है, सीरम के अंदर ये SGOT PT एंजाइम पाए जाते हैं। दूसरे पेशेंट की रिपोर्ट है। अब इसमें देखिए, आप इसमें बिलीरुबिन भी किया हुआ तो क्या होता है कि लीवर फंक्शन टेस्ट जिसको LFT हम लोग बोलते हैं, उसमें बिलीरुबिन SGOT SGPT इसके अलावा टोटल प्रोटीन, अल्बुमिन, अल्कलाइन फास्फेटेज, इस तरह के और भी पैरामीटर आपको मिलते हैं। तो इसमें अगर देखेंगे SGOT 33 है और SGPT 36 है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल माना जाएगा। एक चीज़ और आपको बता दूं कि नॉर्मल केस में जो SGPT होता है वो SGOT से ज़्यादा होता है। नॉर्मल जब भी लीवर में इंजरी होती है, सिर्फ एल्कोहल के कारण अगर लीवर में डैमेज हो तो उल्टा हो जाता है। यहाँ पे एक रेशियो मैंने लिखा है, जैसे ये AST LT का रेशियो 1 है, मतलब नॉर्मली 1 से कम होना चाहिए, ये यहाँ बताने का मकसद था। अब ये एक तीसरी रिपोर्ट है, इसमें भी यही बातें हैं, पर इसमें क्या है, SGOT और PT बढ़ा हुआ है। नॉर्मली जो मैं आपको बता रहा था कि अप टू 0 to 40 होता है, इसमें देखो 1000 में वैल्यू पहुंच गई है, मतलब इनको क्या होगा, इस केस में तो नॉर्मल था लेकिन यहाँ पे हिपेटाइटिस होगा। अब ये हिपेटाइटिस वायरल से हो सकती है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस किसी से भी हो सकती है। नॉर्मली वायरल हिपेटाइटिस कॉमन है, जैसे हिपेटाइटिस ए है, बी है, हिपेटाइटिस सी भी होती है, हिपेटाइटिस ई भी होती है, दूसरे भी वायरल इन्फेक्शन हिपेटाइटिस करवा सकते हैं। तो अभी जो मैं बात कर रहा था, SGOT और PT ये लीवर के एंजाइम है, लीवर के सेल में जब भी डैमेज होगा तो ये लीवर के सेल टूटेंगे और ये ब्लड में आ जाता है, और ब्लड में आता है और इसी सीरम की हम लोग जाँच उसमें की जाती है। तो SGOT PT बढ़ा रहता है, मतलब बढ़ने का मतलब है कि लीवर डैमेज हो रहा है, उसको सुधार की ज़रूरत है। अब एक चीज़ ये जान लें कि SGOT PT का कम होने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर किसी की वैल्यू कम आती है तो कम कितनी हो सकती है, 0 तो नॉर्मल होती है तो 0 से कम पॉसिबल है नहीं,
एक चौथी रिपोर्ट देखते हैं जिसमें सिर्फ SGPT कराया गया है, तो ये 35 है, इनका भी नॉर्मल है ये। और एक ये भी रिपोर्ट है, इसमें सिर्फ SGOT कराई गई है, ये भी 34 है, मतलब नॉर्मल है। तो इस रेंज में रहता है मोस्टली, 40 के आसपास जाने लगे, उसके ऊपर जाने लगे तो आपको सतर्क रहना है। अब SGPT के बारे में जैसा मैंने बताया कि मोस्टली जब लीवर के लिए सिर्फ एक ही जांच कराई जाती है तो SGPT कराई जाती है, क्योंकि ये सिर्फ लीवर के टिश्यू में होता है और बाकी हार्ट, किडनी, स्केलेटल मसल्स वगैरह में बहुत ही कम मात्रा में रहता है। बट जो SGOT है, जिसको ST बोलते हैं, ये लीवर में तो होता है, इसके अलावा हार्ट, ब्रेन, पैंक्रियाज, किडनी और भी आर्गन में रहता है। ये थोड़ा सा इसका एक ड्रॉबैक है। अभी SGOT PT का रिजल्ट की बात करें कि बढ़ता क्या है, अभी ऐसा मैंने बताया कि सिर्फ बढ़ने का सिग्निफिकेंस है, कम होने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं। तो लीवर डैमेज, सिरोसिस, वायरल हेपेटाइटिस, बाइल डक्ट डिजीज, फैटी लीवर, ट्यूमर हो सकता है, ये पैंक्रियाज में थोड़ा बहुत, जैसा मैंने बताया कि पैंक्रियाज से भी ये एंजाइम निकल सकते हैं, इसके अलावा ये कुछ एक कंडीशन जिसमें थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। तो ये देखो लीवर है, उसमें डैमेज हो रहा है तो SGOT PT बढ़ जाता है। अब ये चीज़ मैं शुरू में आप लोगों को बता रहा था कि अगर ये OT बढ़ जाए, PT से ज़्यादा हो जाए, ऐसा नॉर्मली नहीं होता है, उस केस में क्या होगा कि एल्कोहल के कारण दिक्कत हुई है, इसको आप देख सकते हैं। कब कराना है, लीवर डैमेज पता करने के लिए, लीवर का ट्रीटमेंट चल रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए, और अगर रिस्क फैक्टर है लीवर का, जैसा कि फैमिली हिस्ट्री है, एल्कोहल पीते हों, या कोई हेपेटाइटिस बी वगैरह हो गया है, कुछ तरह की दवाइयाँ लीवर इंजरी कराती हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, फैटी लीवर है, तो ये सब लोगों को कराते रहना है। क्योंकि अगर ये लीवर डैमेज हुआ तो इसको SGOT PT बढ़ना मतलब ये खतरनाक साइन है, लीवर आपका ख़राब हो रहा है, उसके सेल्स टूट रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, तो ये चीज़ समझें। ये SGOT PT के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उम्मीद है ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।